हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इंडिपेंडेंस डे मेकअप लुक। इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल एक मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, और ये जो आई लुक है ये आप सबको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताएगा। सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ 500 रुपये, मतलब 500 रुपीज के अंदर है। सो दिस मेकअप लुक इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली, वेरी अफोर्डेबल। ऑल्सो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। मैंने सारे परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजन से परचेज किया है। अमेजन पे ग्रेट फ्रीडम सेल स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 6 अगस्त टू 10 अगस्त, और 5 अगस्त को प्राइम मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस भी मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर द सेल, और सेल प्राइसेस एंड एवरीथिंग चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। इस सेल में आपको अमेजिंग से डील्स एंड डिस्काउंट्स मिलेंगे आपके फेवरेट फैशन, स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स पे। सो ये सेल मिस मत कीजिएगा। सो चलिए अब देख लेते हैं मैंने ये मेकअप लुक किस तरह से क्रिएट किया है। सबसे पहले गाइस, मैंने यहाँ पर आई शैडो ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया है। जस्ट मेरा जो आईलाइनर है ना, वो मैंने एक इस ऐसे तरीके से ड्रॉ किया है जिससे खूबसूरत सा लुक आ रहा है। और सिंस ये इंडिपेंडेंस डे मेकअप लुक है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का आईलाइनर इस्तेमाल किया है। दुपट्टे में थोड़ा सा सैफ्रन कलर भी है, ग्रीन भी है, और उसके साथ साथ ये व्हाइट कलर का, व्हाइट के ऊपर ये सारे कलर्स है। और मैंने यहाँ पर एक चिकनकारी कुर्ता पहना है जिसमें हल्का सा सैफ्रन कलर है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने खुद सिलेक्ट किया है। तो अगर आप कोई व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रहे हैं, उसके साथ अगर आपने सैफ्रन कलर का दुपट्टा लिया है, तो आप ग्रीन कलर का आईलाइनर लगा सकते हैं, या फिर आप इस आईलाइनर को किसी भी रेड या सैफ्रन कलर के आईलाइनर से भी स्किप कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर आउटफिट। सबसे पहले अपने क्लीन फेस पर मैंने बायोटिक कुकुम्बर पोर टाइटनिंग रिफ्रेशिंग टोनर को अप्लाई किया है। इसे इस तरह से आपको डैप करना है स्किन पर ताकि पोर्स क्लोज हो जाए और मेकअप बिल्कुल ग्लाइड हो अपने स्किन पर। फिर मैंने सनस्क्रीन इस्तेमाल किया है। ये एक डे टाइम लुक था, इसीलिए न्यूट्रीजेना का जो सनस्क्रीन है विद SPF 50+ प्रोटेक्शन, उसे मैंने डॉट्स में अपने स्किन पर अप्लाई करके हल्के हाथों से मसाज किया है। ये सनस्क्रीन हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसे मैं अपने सारे एक्सपोज्ड पार्ट्स पर इंक्लूडिंग माय फेस, नेक, हैंड्स में अप्लाई करूंगी अच्छी तरीके से, एंड उसके बाद मेरा जो स्किन केयर है वो कंप्लीट है। फिर मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। ये है मेबलिन फिटमी फाउंडेशन, माई शेड इज 120, और ये फाउंडेशन मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में, सिर्फ एक पंप मैंने इस्तेमाल किया है, और उसे ही मैं अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करूंगी। वन पंप इज मोर देन इनफ। मैं सिर्फ इसे अपने पिगमेंटेड एरियाज पर अप्लाई करके फिंगर टिप से ही ब्लेंड कर दूंगी। मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक। फिर मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है। ये है 02 सैंड सेबल। 150 रुपीज के अंदर आपको हाई कवरेज वाला कंसीलर मिल रहा है। दिस गिव्स अ वेरी नाइस कवरेज, और मैं सिर्फ इसे कम क्वांटिटी में लेकर अपने पिगमेंटेड एरियाज पर फिंगर टिप से हल्के हाथों से ब्लेंड कर दूंगी। ये एक डे टाइम लुक है, तो ज़्यादा मेकअप शो अप करेगा, और इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ नॉर्मल फंक्शन के लिए उतना ज़्यादा बेस मेकअप अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, स्पेशली डे टाइम में। इसीलिए मैं जितना हो सके अपने बेस मेकअप को मिनिमल रख रही हूँ। फिर मैंने मेबलिन का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसे लिया है। इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूट, बट ये शेड मेरे स्किन टोन से थोड़ा डार्कर है। आप लोग देख सकते हैं जो मेरे चीक एरिया है ना, वहाँ पर ये थोड़ा डार्क लग रहा था, बट नेवरदिलेस इट्स अ वेरी गुड कवरेज वाला कॉम्पैक्ट। फिर मैंने स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शैडो पैलेट लिया है। ये एक अमेजिंग वर्सेटाइल आई शैडो पैलेट है। मेरा शेड है 05, जिसमें सारे न्यूट्रल शेड से ब्लैक शेड है, तो मैंने एक ट्रांजिशन शेड लिया है, और इसे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर दूंगी, जस्ट टू क्रिएट दैट ट्रांजिशन। फिर मैंने लैक्मी इंस्टा लाइनर लिया है, एंड उसे मैं एक विंग ड्रॉ करूंगी, सिंपल सा विंग, और मैं अपने क्रीज के नीचे से इस तरह से उसे हल्का सा ड्रॉ करके शेडिंग दे दूंगी। इस शेडिंग देने की वजह से ना थोड़ा सा ग्रेडियंट आया है, और एक खूबसूरत सा एफर्टलेसली ब्यूटीफुल वाला एक आई लुक आ गया है। ब्लू हेवन का ब्राउ डिफाइनर मैंने लिया है, उससे मैं हल्के हाथों से नेचुरल आईब्रोज के शेप को ही डिफाइन करूंगी, कुछ ओवर नहीं करूंगी। और आप लोग देखिए मेरा जो आईब्रोज है ना, वो अभी वेल ग्रूम्ड है, तो ज़्यादा मैं आईब्रो पेंसिल नहीं चलाऊंगी। फिर मैंने एक मस्कारा लिया है, मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। दिस इज़ एन अमेजिंग मस्कारा। इसमें दो वेरिएंट है, एक वॉशेबल है, दूसरा वाटरप्रूफ है। मेरे पास ये वाटरप्रूफ वाला वेरिएंट है, बट अगर आप
चाहते हैं तो वॉशेबल वाला भी ट्राई कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ब्लश के लिए मैंने मेबलिन का एक क्रीमी मैट लिपस्टिक लिया है, ये 631 मिस्टीरियस मोका शेड है। दिस इज अ परफेक्ट न्यूड शेड सूटेबल फॉर ओनली वेरी फेयर स्किन टोन। ये मीडियम टू डार्क स्किन टोन को वॉश ऑफ कर देगा, बिल्कुल फेयर स्किन टोन के लिए ये लिपस्टिक की तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसे एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैंने उसी आईशैडो पैलेट से ये वाला ब्रॉन्जर का एक शेड लिया है और मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज करूंगी ताकि एक डेफिनेशन मिले। एंड लास्टली दिस इज माय लास्ट स्टेप विच इज लिपस्टिक 660 स्पाइस। ये जो शेड है ना टच ऑफ स्पाइस, ये काफी प्रिटी शेड है एंड दिस कंप्लीट्स माय मेकअप। That's it for today's video. I hope आज का ये मेरा special Independence Day makeup look आप सबको अच्छा लगा। ये काफी easy, simple makeup look है, yet काफी creative है। तो अगर आप इस makeup look को try करना चाहते हैं तो जरूर मुझे नीचे comment करके बताएं कि आपने ये makeup look किस तरह से create किया है और कौन से outfit के साथ आपने ये wear किया। और description box को check करना ना भूलेगा। आज के लिए इतना ही। Stay blessed, stay happy. Bye.